है, जो सुरक्षा की जो टीम है, जो पुलिस के जो जवान है, वो यहां पर आगे है और वो राहुल को ले जा रहे हैं ताकि सुरक्षा में कोई कहीं दिक्कत ना हो। और राहुल को ले जाती हुई ये तस्वीरें जिसका इंतजार पिछले 5 दिनों से देश भर के लोग कर रहे थे, अब वो सामने आई है। हालांकि राहुल की झलक पूरी तरीके से स्पष्ट हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये एक जीत की तस्वीर है, एक विजय की तस्वीर है, ये एक जिंदगी की तस्वीर है, उस संघर्ष के परिणाम की तस्वीर है, उस मेहनत की पराकाष्ठा जिस तरह से हुई थी उसकी सफलता की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें हैं उस जीवटता की और उस साहस की जो कि राहुल ने दिखाया है। और अब राहुल पूरी तरीके से बाहर आ चुका है, इंतजार का जो लम्हा था वो समाप्त हो चुका है और अब यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए राहुल को ले जाया जाएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राहुल को जब स्ट्रेचर पर ले जाया गया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। सबसे बड़ा देश का ये रेस्क्यू ऑपरेशन है जो 104 घंटे तक चला और जिंदगी की जीत हुई है, मेहनत जो थी वो रंग लाई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम टीमें लगी हुई थी और सभी के चेहरों पर आप देख सकते हैं एक जो संतोष का भाव है वो देखा जा सकता है, एक जो राहत की सांस है वो देखी जा सकती है और एक जो खुशी है वो भी देखी जा सकती है कि कैसे यहाँ पर जो मेहनत हो रही थी वो सफल हुई है। लेकिन उसके पहले प्रशासन ने अपील की थी सभी से कि शांति व्यवस्था बनाए रखे ताकि राहुल जो है वो डरे ना, सहमे ना, क्योंकि 5 दिनों का वक्त उसने टनल के अंदर अंधेरे में बिताया है, एक ही पोजीशन में वो बैठा रहा, एक अलग विकट परिस्थिति थी। संदीप, किस तरह की हलचल है, क्या एम्बुलेंस तक राहुल को पहुंचा दिया गया है? देखिए सन्नी, जिस बात का इंतजार था कि राहुल को 104 घंटे बाद रेस्क्यू करके लाया गया है, राहुल को ला के एम्बुलेंस में रखा गया है और उसके बाद अब जो गाड़ी है एम्बुलेंस जो उसमें राहुल को रखा गया है वो तो सीधे तौर पर अब रवाना हो रही है बिलासपुर के लिए। हालांकि उनके स्वास्थ्य के परीक्षण पहले देखा जाएगा कि किस कंडीशन में राहुल है और कहां पे उनको किस तरह की प्रारंभिक उसको जांच की आवश्यकता है। हालांकि एम्बुलेंस के भीतर भी सब तरह की जो चीजें थी वो करी गई है, लेकिन अभी जो टाइम है सब लोग जयकारे हैं जो लगा रहे हैं और वो चीजें आप देखिए किस तरह से सनी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो काफिला है, ये जो दौर है, आप देखिए किस तरीके से वो जा रहे हैं लोग बड़ी संख्या में। उम्र पड़े हैं जो आर्मी के जो जवान हैं और जो लोग हैं, ये इनकी आंखों में आंसू है। निश्चित तौर पर ये वो वीर जवान हैं जिनकी बदौलत, ये देखिए इनकी आंखों में, एनडीआरएफ के लोगों की आंखों में आंसू है और ये खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं कि 11 साल के बच्चे राहुल को सुरक्षित निकाल रहे हैं, ये लेके जा रहा है। पुलिस के लोग हैं, इस तस्वीर को देखिए, पुलिस के लोग उन्हें ढारस बांध रहे हैं। बताइए त्रिपाठी जी, आपके वीरता को पूरा देश सलाम कर रहा है, बताइए। बहुत कुछ 4 दिन से हमने खाना नहीं खाया था, 4 दिन से खाना नहीं खाया। हाँ, अच्छा बच गया सर, बहुत खुश है। ये वो भावना है, और ये वो भावना है तो लगाइए, 4 दिन से भूखे प्यासे एनडीआरएफ के तमाम लोग। त्रिपाठी सर, त्रिपाठी सर, करीब 6 घंटों से ऊपर से आपने एक ऑपरेशन सक्सेसफुल बच्चे को निकाला। बिल्कुल निकाला, बच्चा स्टेबल है, सबने आपने देखा, अच्छे से हमने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। एनडीआरएफ सदा अजय, एनडीआरएफ सदा अजय, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था जी, बिल्कुल। आप लोगों ने सबने देखा, कहीं कोई चीज छुपी नहीं हुई है, 63 फुट के धरती के गर्भ से निकाल के लाए हैं बच्चे को, चट्टानों के बीच से, कितना चैलेंजिंग था आप लोग को सबको पता है। थैंक यू सर, एक बड़ा। तो एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनके लिए जयकारे लग रहे हैं और उन्होंने कहा कि धरती के नीचे से, उनके पेट से, धरती के पेट से निकाल कर लाए हैं, कितना मुश्किल ये ऑपरेशन था आप सबने देखा है। और कहीं ना कहीं वो भाव विभोर भी हो गए, उनके आंखों में आंसू थे, आवाज़ में एक जो रुदन थी वो सुनाई दी। और जाहिर तौर पर अब एम्बुलेंस के जरिए राहुल को यहाँ से ले जाया गया है
और उसी दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें INS 24/7 पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो आखिरकार वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, वो मेहनत, जो परिश्रम चल रहा था, जो विश्वास दिखाई दे रहा था, वो अब कहीं ना कहीं एक संतोष, एक राहत, एक परिणाम पर आकर रुका है। और ये सभी को एक तसल्ली ज़रूर दे रहा होगा, NDRF, SDRF, उन तमाम उन टीमों को जो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, बने हुए हैं। और जैसे कि NDRF टीम के जो मेंबर थे वो ये कह रहे थे कि उन्होंने खाना तक नहीं खाया है, यानी उनका जो समर्पण है, उनका जो डेडिकेशन है, जिस तरह से उनकी लगन रही है, उसी का ये नतीजा है कि ये सफलता मिल पाई है। वो जानते थे कि इस बच्चे को निकालने के लिए किस हद तक उन्हें जाना पड़ रहा है, किस हद तक उन्होंने परिश्रम किया है, और ये उनकी आंखों से जो आंसू निकले वो खुशी के आंसू थे, उस मेहनत की सफलता के आंसू थे जो कि उन्होंने पिछले 5 दिनों से की है, बिना खाए पिए, बिना दिन रात का सोचे, बिना एक पल गवाए, लगातार ये पूरी रेस्क्यू टीम में लगी रही। सभी वाकई में तारीफ के काबिल है, इनका जो साहस है, इनकी जो कोशिश है, इनका जो प्रयास है, वो आज रंग लाई है, और इसलिए ये सभी बधाई के, शुभकामनाओं के पात्र है। शायद इसीलिए इनके लिए जयकारे भी लगाए गए, NDRF की जय के नारे लगे, इन जवानों के जयकारे लगाए गए। और कहा उन्होंने कि राहुल ठीक है, राहुल को अब एम्बुलेंस के ज़रिए ले जाया जा रहा है, अस्पताल जाने के बाद अब आगे जब जांच होगी उसके बाद और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन शुरुआती तौर पर जो प्रतिक्रिया आई है उसमें यही पता चला है कि राहुल ठीक है। और ये जो ठीक होने की बात है, ये एक अपने आप में संतोष देने वाली बात है, अपने आप में एक जो इंतज़ार था, एक जो डर था, एक जो चिंता थी, एक जो वहम था, उसको समाप्त करने वाली बात है। और इससे एक बड़ी राहत ज़रूर मिली है, राहत की सांस सभी ने ली है। एक वातावरण यहाँ का जो बन गया था तनावपूर्ण, अब वो कहीं ना कहीं हल्का ज़रूर हुआ है, कहीं ना कहीं अब लोग थोड़ा रिलैक्स ज़रूर महसूस कर रहे हैं, एक शांति की अनुभूति ज़रूर महसूस कर रहे हैं। संदीप लगातार बने हुए हैं, संदीप किस तरह की अपडेट आप देख पा रहे हैं, किस तरह की हलचल यहाँ पर देख पा रहे हैं? ग्रेट जॉब, थैंक यू, बधाई बधाई बधाई, बैठो। संदीप क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? संदीप किस तरह का माहौल वहां पर देख पा रहे हैं, किस तरह की हलचल, एक अलग खुशनुमा माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? 5 दिनों का जो तनाव था, आखिरकार उसका अंत हुआ है? देखिए, आप सीधे तौर पे तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि ये हैं, ये गुंडू ऋषि, ये है आंध्र प्रदेश से आए हैं और ये NDRF टीम में है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक टाइम राहुल को अलर्ट करने में अगर किसी ने दिया है तो ये गुंडू ऋषि है। गुंडू ऋषि ने ही, राहुल बेटा तुम केला खा लो, राहुल बेटा तुम पानी पी लो, राहुल बेटा तुम ऊपर उठो, राहुल बेटा तुम आगे देखो, ये गुंडू ऋषि है। हमने जीत लिया, हमारी टीम ने जीत लिया, आप सभी दर्शकों की दुआओं ने जीत लिया, शब्द नहीं, आप आतिशबाजी भी देख सकते हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस जंग में एक एक बहुत बड़ा सच था जिसको मैंने खुद छुपाए रखा था। आप अब उस सच को बताने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस दिव्यांग बच्चे के साथ में, उस हमारे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में, जहाँ वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। मैं जब इस बारे में जब मैं सोचता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन हालातों से हम उसको कैसे बचा पाएंगे। मैं आपके दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सोच के देखें कि एक बच्चा 4 दिनों तक एक छोटे से स्पेस में, 60 फीट की गहराई में, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, एक सांप के साथ पड़ा हुआ था। उसकी जीवटता ने हम सबको एक संदेश दिया और हमने ये तय किया कि जैसे भी हो। मैं आप सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्थितियाँ काफ़ी विपरीत थीं, आशानुकूल परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं थी। कितना कठिन था, पूरे के पूरे 60 फीट के चट्टानों को काटना, चट्टान इतने बड़े मास लेवल पे, ये सब सभी संभव हुआ। हमने जिन जिन से मदद मांगी, सब ने बेझिझक बिना समय गवाए सारे मदद हमको मुहैया कराए, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये इस बात का द्योतक है कि कैसे समाज संकट के समय में एक साथ हो सकता है, कैसे प्रशासन अपने ज़िले के लोगों की मदद के लिए आ सकता है, कैसे एक प्रदेश का मुखिया
मुख्यमंत्री वो पल प्रतिपल इन चीज़ों की निगरानी रख सकते हैं और हमसे ये कहते हैं कि आपको कोई ज़रूरत हो मुझे तत्काल बताएं, हम उनको अपनी ज़रूरतें बताते हैं और उसको तत्काल उपलब्ध कराते हैं। ये हम सब की जीत है, समाज की जीत है, आप सभी की जीत है। आप सभी लोग इस पूरे अभियान में साथ थे। मैं इस अवसर पर पूरी टीम को खासकर NDRF की टीम को, SDRF की टीम को, भारतीय सेना को, हमारे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए सभी स्थानीय शासन के और इस गांव आसपास के लोग जिन्होंने बेझिझक जो उनसे बन सकता था वो मदद दी और इस मदद की सहायता से हम इस पूरे घटनाक्रम को जीत में बदलने में कामयाब हुए। मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर, राहुल की स्थिति अभी है? राहुल की स्थिति, डॉक्टर से मैंने टनल के बाहर निकलते ही कहा, उसने कहा स्टेबल है, ठीक है, ही विल रिकवर पक्का और बहुत अच्छे हालातों में हमारे बीच में होगा। उसको जो बेस्ट से बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने 4-4 एम्बुलेंस सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ में उसे रवाना किया है। अभी कहाँ? अभी उसे हम सीधा बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो, तो जांजगीर चांपा के कलेक्टर को आप सुन रहे थे और उनकी जो खुशी है वो भी यहाँ पर जाहिर हो रही थी। उन्होंने बताया कि कैसी परिस्थितियाँ थी, कितना कठिन परिश्रम था, कैसी चट्टाने थी, कैसे उसे निकाला गया। साथ ही उन्होंने CM की भी तारीफ की, CM लगातार नज़र बनाए हुए थे, उनका भी जिक्र किया। राहुल की जो इच्छा शक्ति थी, राहुल का जो दृढ़ संकल्प था, राहुल की जो साहस की बात है वो उन्होंने की। उस बच्चे की तारीफ की, कैसे वहाँ पर एक मेंढक और एक सांप के बीच में राहुल फंसा हुआ था उसका जिक्र किया। जो तमाम दर्शक देख रहे थे, जिस तरह से वो दुआएं कर रहे थे, जो प्रार्थनाएं कर रहे थे उसका उन्होंने जिक्र किया। सभी के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया, समाज के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। सभी लोगों ने मिलजुल कर जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाया उसके लिए उन्होंने इस पूरी टीम का आभार व्यक्त किया और साथ ही आश्वस्त किया कि राहुल बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत जल्द राहुल रिकवर कर लेगा, राहुल बहुत जल्द हम सबके बीच होगा। तो ये वो शब्द सुनने के लिए लगातार सभी इंतज़ार कर रहे थे कि राहुल सकुशल है और हमारे बीच फिर से सही सलामत होगा। ये आज 105 घंटे के बाद शब्द सुनने मिले हैं। इसके पीछे का जो परिश्रम रहा है, जिस तरह की मेहनत रही है, जिस तरह की लगन रही है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और राहुल की ये तस्वीरें जब उसे निकाला गया, उस दौरान की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, तो राहुल को निकाल लिया गया उस वक्त की तस्वीरें, राहुल की आंखें खुली हुई है, राहुल अपने एक्सप्रेशन के जरिए बात करता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है राहुल के एक्सप्रेशन को। जो हमने एंटिसिपेट किया था एक दिन में कर देंगे, उसमें 2-2.5 दिन लग गए और अचानक से चट्टानें आती थी, उसको तोड़ना, निकालना, फिर रिमूव करना, साथ में इस चीज़ का ध्यान देना कि बच्चे को कहीं ड्रिल पिक का या वाइब्रेशन का मिट्टी ना गिर जाए, तो बहुत चैलेंजिंग था। जी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से फ्राइडे को हेडक्वार्टर कोसा में कॉल आया था हमारे कमांडर साहब को एंड उसके बाद से ही हम लोग सक्रिय हुए थे। रात को करीबन 12:30 बजे हम लोग इधर आए एंड सिचुएशन को देखा, पूरा अपना डिस्कशन हुआ, सब चीज़ें हुई एंड सब्सिक्वेंटली आर्मी को फॉर्मली कल बुलाया गया। जब चीज़ें थोड़ी सी देखा कि सबका एफर्ट रिक्वायर्ड है, थोड़ा और इसमें पुश कराना पड़ेगा एंड दैट इज़ ऑफ कर्नल पारेख भी आए हेडक्वार्टर कोसा से एंड हमारी टीम जो आई उसके साथ थोड़ा सा हमने और पुश किया, असिस्ट किया पूरे ऑपरेशन को एंड दैट इज़ ऑफ वी अचीव द सक्सेस। कितना बड़ा डिप्लॉयमेंट था आपका यहाँ पर? हमारे यहाँ पे करीबन 25 बंदे आए थे हेडक्वार्टर कोसा से एंड टेंट में रह रहे हैं एंड उसके बाद हमने बीच में सोचा था एक्सप्लोजिव लगाएंगे, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमने सोची थी। इम्प्रोवाइजेशन एफर्ट थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ बिकॉज बच्चा रिस्पॉन्सिव नहीं था, अगर वो रिस्पॉन्सिव होता है आई एम श्योर हम 24 घंटे में ही जीत हासिल करते, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऑपरेशन आप देख रहे हैं 4 दिन लंबा खिंच गया, बट वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल व्हेन दैट एंड्स वेल। सो इतना बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन मेरे को इसके बारे में सैटरडे को पता चला जबकि मेरे कमांडर ब्रिगेडियर विग्नेश मांती सेना मेडल ने मेरे को इसके लिए डिप्लॉय होने के लिए कहा। इनिशियली हमने सोचा था कि ऑपरेशन शायद आसान होगा क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन आर्मी पहले कर दिया ही है, लेकिन ये ऑपरेशन को देखने के बाद पता चला कि कितना चैलेंजिंग था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि चट्टाने थी और नॉर्मल मिट्टी नहीं थी। इस तरह के ऑपरेशन आर्मी ने किए हैं बिल्कुल, बट इस तरह का जो चैलेंजिंग वर्क था ये नहीं किया था, तो ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी के लिए। साथ ही मैं ये बता देना चाहूँगा कि हमारा जिस तरह से हमारे हायर हेडक्वार्टर्स ने हमारा जिस तरह से साथ दिया,
इस पूरे ऑपरेशन के लिए, जिस तरह से हमारे पास मैन पावर भेजी और जिस तरह से हमें मोटिवेट करते रहे स्पेशली द कमांडर कोसा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे कोसा हेडक्वार्टर का। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये एक साझा प्रयास था NDRF, SDRF, इंडियन आर्मी, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबका साझा प्रयास था और सबको मैं धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूँगा कि एक बच्चे की आज जान हम बचा सके और मैं अपने आप को काफ़ी गर्व फील कर रहा हूँ आज। आई एम वेरी प्राउड दैट वी हैव बीन एबल, वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन जिसमें कि हम एक बच्चे की जान बचा पाए। थैंक यू तो इंडियन आर्मी का साहस, जज्बा और उनकी जो मेहनत थी वो जिस तरह से दिखी है, जिस तरह से रंग लाई है, उन्होंने भी अपनी भावनाएं यहाँ पर शेयर की है। उन्होंने भी ये कहा है कि हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, प्राइड महसूस कर रहे हैं कि हम इस बच्चे को बचा पाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने तरह का एक अलग तरह का ऑपरेशन था। ये बोरवेल की सबसे लंबी रेस्क्यू है, 100 घंटे से ज़्यादा चला। सबसे पहले तो उस बच्चे के जो आत्मबल है उसको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि 5 दिनों तक वहाँ रहना और उसके बाद स्वस्थ निकलना, ये उसकी आत्मबल की पहचान है। उसके बाद जिन्होंने भी यहाँ मेहनत किया, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, राज्य सरकार की पहल हो, सेना के जवान हो, NDRF हो, SDRF हो, या विभिन्न यहाँ के सामाजिक संस्था, राजनीतिक व्यक्ति, विभिन्न ठेकेदार जिन्होंने यहाँ संसाधन दिया और एक गरीब के बच्चा को बचाने के लिए 5 दिनों तक यहाँ मेहनत किए। आप लोग भी, पूरे मीडिया के लोग भी, पूरे 5 दिन तक ना धूप देखे, ना गर्मी देखे, ना कभी नींद लिए। ऐसे परिस्थिति में इस सफलता के लिए जिनकी हम सब लोग कल्पना कर रहे थे, जिसके लिए दुआ दे रहे थे, आज वो राहुल साहू हमारे बीच में स्वस्थ होकर के निकला। मैं सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और निश्चित रूप से ये सफलता आने वाले भविष्य में सभी लोगों के आत्मबल को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। धन्यवाद। तो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की। अब हर कोई तारीफ कर रहा है, सराहना कर रहा है और सबसे खुशी की बात यह है कि राहुल को सकुशल निकाला गया है और इसलिए भी ये और दुगनी खुशी हो जाती है। जिस तरह से राहुल को निकाला गया, उनके जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे। उन्होंने आँख खोलकर सबको देखा, एक्सप्रेशन के ज़रिए कम्युनिकेट किया और उनके चेहरे पर भी एक राहत का जो भाव है वो हमने देखा। सोशल मीडिया पर भी राहुल के वापस निकाले जाने को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हर कोई इस पूरे ऑपरेशन की तारीफ कर रहा है, राहुल के सकुशल निकाले जाने को लेकर सभी यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रहे। लेकिन भूपेश बघेल, सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है, माना कि चुनौती बड़ी थी, हमारी टीम भी कहाँ शांत खड़ी थी, रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे, सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, वो जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो ये हमारी कामना है। ये सीएम ने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर, सीएम ने इसे पोस्ट किया है। तो सीएम ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर तारीफ की है, उन्होंने साफ ये कहा कि भले ही चुनौती बड़ी थी, माना कि चुनौती बड़ी थी, हमारी टीम भी कहाँ शांत खड़ी थी, रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे, सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, वो जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो ऐसी हमारी कामना है। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी है। राहुल की ये जो तस्वीर है इसके साथ उन्होंने ट्वीट किया है, इसके साथ उन्होंने इस ऑपरेशन का जिक्र किया है। पहले दिन से ही सीएम भूपेश बघेल लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। कल भी रात 1:30 बजे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम से बात की, उनके हौसला अफजाई की, निर्देशित उनको करते हुए रहे और अब राहुल के सकुशल होने को लेकर सभी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। राहुल ठीक है, वो बाहर निकल चुका है, इस बात का संतोष है, इस बात को लेकर एक राहत है सभी के मन में कि जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें कामयाबी मिली है और ये वो लोग जिन्होंने
हिम्मत नहीं हारी, जिन्होंने जज्बे को कायम रखा, जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसीबतों का सामना किया और जिन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि हमारे रहते हम राहुल को कुछ नहीं होने देंगे, राहुल को सही सलामत आपके बीच लाएंगे। जिस कमिटमेंट के साथ हमने इस ऑपरेशन को शुरू किया है उसको अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और यही लोग हैं जिन्होंने इस अंजाम तक इसे पहुंचाया और इसीलिए उनके लिए जयकारे लगे, इसीलिए उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। संदीप करिहार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, आखिरकार जो इंतज़ार शब्द था उसका इंतज़ार भी समाप्त हुआ, लोगों का इंतज़ार समाप्त हुआ, राहुल का इंतज़ार समाप्त हुआ, किस तरह की खुशी है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह है, क्या वहाँ पर आसपास देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब उत्साह है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, पूरा परवान चढ़ता चला जा रहा है। राहुल के आने के बाद में लोगों में जो खुशी थी, जो झलक देखने को बेताब थे, ये पूरा देश तक ये पूरे वीडियो और जो फोटो है, ये तमाम जो तस्वीरें है सीधे तौर पे पहुंच गई है। राहुल को देखने के लिए जो ललक थी, माँ की जो लाल को देखने की जो लालसा थी, वो भी अब कहीं ना कहीं अब सामने निकल के आई है। तो राहत की सांस पूरे देश ने अब राहुल को एक झलक देखने के बाद ली है। अब राहुल को उपचार के लिए 3 डॉक्टरों की निगरानी को साथ में बिलासपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। ये कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला भी वहाँ बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि इसमें इस बीच में पूरे रेस्क्यू को कमांड करते हुए जो यहाँ के SP हैं विजय अग्रवाल, उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई थी, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। हालांकि वो इस पल के साक्षी होना भी चाहते थे, लेकिन आज पूरा पिहरीद गांव और उसके आसपास के जो सैकड़ों गांव के लोग हैं, हजारों की संख्या में राहुल के इस रेस्क्यू के अंतिम चरण को देखने के लिए पहुंचे थे। सभी आज के इस गवाह के साक्षी बने हैं। इंडियन आर्मी, NDRF, SDRF और जो लोकल टीम है, जिला प्रशासन है, और सभी लोग पूरे जिम्मेदारी के साथ डटे रहे और उनके अथक प्रयासों से, संयुक्त अभियान से ही आज राहुल को 104 घंटे के महारेस्क्यू अभियान से सुरक्षित तौर पर निकाला गया है। और उसके बाद अब उसको बिलासपुर ले जाया जाएगा और इंडियन आर्मी आज खुद में भी काफी गर्व महसूस कर रही है कि इतने बड़े टास्क को, हालांकि अब तक की जो भी टास्क होते हैं वो चंद घंटों में ही वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन ये जो टास्क था 104 घंटे का, नई चुनौतियां, नए पहाड़ और तमाम चट्टानों से लड़ना पड़ा है, भिड़ना पड़ा है, उसके बाद जाकर के ये सफलता और जीत जो है वो मिल पाई है। तो निश्चित तौर पे गांव में अब जो खुशी की जो लहर है वो दौड़ उठी है और तमाम चुनौतियों को, तमाम जो मुसीबतों को भी मात दे दिया गया है और राहुल के हौसले को पूरा देश सलाम कर रहा है कि वो चट्टानों के सीने को चीर करके वो चट्टा राहुल बहादुर बा राहुल निकला है। अपोलो अस्पताल में उसको ले जाया जा रहा है, जिस तरीके से ग्रीन कार्पेट और वो रोड क्लियर कराए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे अब 104 घंटे के आसपास की जो चीजें हैं वो होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे जंजीर के संवाददाता मुकेश बैस भी, आपको स्थितियां बताएंगे। बताओ मुकेश, किस तरह की स्थितियां आप देख पा रहे हैं अभी वर्तमान में? जी, बोरवेल के गड्ढे में राहुल जब से फंसा हुआ था उस दिन के बाद से ही जो सिहरी गांव समेत आसपास के गांव के लोगों की धड़कनें बढ़ गई थी कि किस तरह से इसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जिला प्रशासन ने भी सूचना मिलते ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया था। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, पल पल पर मुसीबतें आती जा रही थी, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिर समय में चट्टानों ने जो है वो लोगों के एक प्रकार से हौसले को कमजोर किया, लेकिन लगातार चट्टानों को चीरते हुए जो है राहुल जो बहादुर बालक है वो आखिरकार बाहर निकला। उसे देखने के लिए पूरे गांव समेत आसपास के दर्जन भर गांव के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। उत्साह ऐसा है, मैं बता दूं कि जैसे ही उसे एम्बुलेंस में वहां से निकाल कर एम्बुलेंस से अपोलो के लिए रवाना किया गया तो यहां आसपास में आतिशबाजियां शुरू हो गई। साथ ही अभी कुछ देर पहले जो है कुछ दूर पर गाँव इस जो स्पॉट है यहाँ से कुछ दूर पर कुछ नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो लोगों ने जो है राहुल के सकुशल निकलने पर एक प्रकार से दिवाली सा माहौल बना रखा।